But. से निकला बट यू थिंक उस मैडनेस ने आपको बचाया है <गणाद> से कैंसर से कीमोथेरेपी और से कत्थक आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ इनमें क्या कनेक्शन है ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक बहुत गहरा कनेक्शन है उस शख्सियत का जिनसे आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक जानी मानी कत्थक डांसर परफॉर्मर और गुरु हैं और जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है जब उन्हें कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा तो उन्होंने अपनी कला को अपने कत्थक को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया तो कौन जीता कैंसर या कत्थक <laughs> जानने के लिए बात करते हैं जानी मानी कथक नित्यांगना अलकनंदा जी से अलकनंदा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच इट्स अ ड्रीम कम ट्रू हमारे लिए भी अलकनंदा जी पिछले एक साल में कैंसर से जो आप लड़ाई लड़ रही हैं वो मैंने बहुत करीब से देखी भी है लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए आप इस लड़ाई को कैसे डिफाइन करेंगे uh, मुझे लगता है ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है इमोशनल स्ट्रेंथ है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है और कैंसर जो है वो एक पार्ट में होता है शरीर के पूरे शरीर में नहीं होता है और मन में नहीं होता और दिमाग में नहीं होता है तो आप किसको अहमियत देते हो उस दिन को या कैंसर को तो मैंने यही सोचा कि जो भी दिन मेरे पास है पहले तो मैंने सबको बोला सब जैसे थोड़ा तो डर गए हो कैंसर है कैंसर है मैंने कहा मैं मर नहीं रही हूँ लगता टू माई पेरेंट्स ऑल्सो मैं कह मैं मर नहीं रही हूँ मैं जिंदा हूँ और जब तक जिंदा हूँ मैं फुल जीऊँगी जिस दिन बिस्तर पकड़ूंगी उस दिन देखेंगे पर तब तक मुझे आप बिस्तर पे मत लटाना और ये मत डराना कि कैंसर है ये मत करो कैंसर है वो मत करो जो मुझे करना अब मैं वही करूँगी अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली तो मैंने फुल जिया फुल डांस किया पार्टी की घूमी हूँ अभी भी कर रही हूँ क्या बात है अलकनंदा जी आज इस शो पर इसीलिए हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनकी कहानी आप में से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी खास कर उन लोगों को जो इस वक्त आ, किसी ना किसी कैंसर से जूझ रहे हैं या उनका कोई अपना ये लड़ाई लड़ रहा है अलकनंदा जी थोड़ा सा अगर पास्ट कब आपको पता चला था कि आपको कैंसर है कौन सा कैंसर है एंड दैट मोमेंट क्योंकि हिम्मत तो बाद में हम फिर जुटाते हैं क्या हुआ था उस वक्त एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ऋचा जी कि हम औरतें अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं हम अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं हमको तो सिखाया ही जाता है कि आ, तुम लास्ट पहले माँ बाप फिर शायद पति आ जाता है फिर बच्चे आ जाते हैं हम हर हाँ टाइम कतार में लास्ट खड़े होते हैं तो वैसे ही जिंदगी थी हाँ मेरी भी जिंदगी वैसी चल रही थी और क्योंकि मैं बहुत एक बिंदास जिंदगी तो जिन्द। सबको लगता था मेरे को कुछ नहीं होने वाला मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है पर हमें पता है कि वी गो थ्रू दैट मैं मेनोपॉज एंड अभी जैसे बहुत खुल के बातें हो रही कि क्या सिम्टम्स होती हैं तो वैसे ही मेरे सिम्टम्स दिख रहे थे एंड तीन चार सालों से क्या सिम्टम्स थे जैसे हैवी फ्लो तीन महीने में एक बार पीरियड्स डीएनसी hmm. करवाना hmm. पर कुछ पता नहीं चला था कि बात क्या है माई टमी वॉज ग्रोइंग बट डिन नो वॉट वॉज द प्रॉब्लम तो फिर एक बार ऐसा हुआ पिछले साल मैं अपने महाराष्ट्र के बहुत प्रोडक्शन में लगी हुई थी कोविड के टाइम से मैं उस पर वर्क कर रही थी और बस आने ही वाला था एक महीना दूरी था एंड आई सॉ आई वॉर स्पॉटिंग विच वॉज वेरी अन नेचुरल फॉर मी और एक दिन नहीं दो दिन नहीं दस बारह दिन एंड दैट्स वन आई रश्ड टू द डॉक्टर की ये क्या हो रहा है एंड uh, मुझे डॉक्टर ने कहा पहले तो आप अल्ट्रासाउंड करवाओ सो so, अल्ट्रासाउंड में मेरी फ्रेंड ही है उन्होंने कहा कि अलग नम यू नीड टू डू अ सिटी स्कैन दिस समथिंग डिफरेंट तो एकदम उन्होंने ही लिया मेरे लिए अपॉइंटमेंट एंड पता चला कि ओवरी में लंप है उन्होंने कहा सर्जरी आई वॉज लाइक ओके आई इमीजिएटली सर्जरी आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन एंड मैंने अपनी जुबान बंद कर ली क्योंकि एक महीने में महाराष्ट्र था आपका एक परफॉर्मेंस पूरा एंड वॉज अडक्शन लाइक विथ सिक्सटी आर्टिस्ट एंड डेट वन डे बिफोर आई टोल माई पेरेंट्स की मेरे ओवर में लम्प है देव लाइक शॉर्ट क्या कर रही हो तुम yeah. मैंने कहा बस ये हो ओवर हो जाने दो फिर मेरी फ्रेंड थी गौरी दिवाकर मैंने उसको बताया कि लम्प है ओवरी में कहती पागल हो गए हो दीदी और आप नाच रहे हो सात आठ घंटा मैंने कहा जीने दे जीने दे बस ये शो हो जाने दे शो हुआ देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल फ्रेंड्स बिकॉज कोई आइडिया ही नहीं था मेडिकली hmm. मुझे कुछ नॉलेज नहीं था सो so, मैंने कहा मुझे और एक गाय के पास जाना है सो वेन आई वेन टू हिसीडिएट सर्जरीट सो दे सर्जरी वेन इट हैीन चार घंटे की सर्जरी थी इट टुक ऑलमोस्ट फॉर मी टू कम टू दी बेट फोर आफ्टर ट्वेल्व आवर्स माई पेरेंट वे प्रेंग माई स्टूडेंट्स एवरीबडी वॉज लाइक इन अब मैं तो आई लाइनर लगा के गई थी लिपस्टिक लगा के गई थी सर्जरी कर दो बट वहाँ पर टेंशन था बिच आई केम टू नो लेट अट मैन दी डॉक्टर केम आउट उन्होंने बोला कि देर इज सम प्रॉब्लम दिस लम्प इज़ नॉट गुड वी हैव टू गेट अब सी डन और uh, मुझे तब कुछ नहीं बताया गया लम्प ऑपरेट हो गया मैं बेड रेस में मुझे बोला गया कि आपको एक महीना बेड रेस्ट करना है एंड आफ्टर फिफ्टीन डेज गौरी ने फोन किया और बहुत रोई जा रही है रोई जा रही है वीडियो कॉल में मैंने कहा क्या हुआ मैंने कहा बता तो दो मेरे को यदि कैंसर है कहा yes. so, देख गौरी नहीं हम यू एस तक जाएंगे दीदी ये जाएंगे वो करेंगे पूरा मैंने कहा सब करेंगे हम पर रोना बंद करो बिकॉज आई एम स्टिल अ लाइफ सो वील डू एवरी थिंग वॉट इज नीडेड एंड आई डिड नॉट क्राई रिचा जी आई डोंट नो आई हैड दिस फीलिंग है आई हैव अ लॉट ऑफ बिलीव इन माई स्पिरिचुअल गुरु सो आई बिलीव दैट अगर उन्होंने ये दिया है किसी वजह से दिया होगा जबकि मुझे इसका जवाब आपके गणपति उत्सव में मिला सो आई सेट कि ठीक है जो मेडिकली मुझे जाना पड़ेगा आई विल गो थ्रू इट तो आपके फर्स्ट सर्जरी आप जब सर्जरी करते हैं उसके दो महीने तक यू के नॉट टच बॉडी यू कैन गो फॉर अ सेकेंड सर्जरी सो उस टाइम में बीच में पूरी फिर से एक रिव्यूइंग होना शुरू किया हुँ. और फिर उन्होंने कहा डॉक्टर कनिका बत्रा से कि दे एन ओपन कट सर्जरी मतलब नेवल से पूरा नीचे कट करके क्लीन अप करना है क्योंकि वो कहाँ कहा फैल गया है फैल गया बिकॉज वो लम्ब फट चुका था oh. अगर वो बंद होता फिर भी सेफ होता पर वो फट चुका था और ऑलरेडी दो महीने हो चुके थे hmm. तो इट स्प्रेड पर मैं तो जिद्दी हूं जैसी मैं हूँ मैंने कहा नहीं दो हफ्ता रुक जाओ एंड hmm. जब मेरा वो पता चला कि कैंसर और सर्जरी एंड एवरी और फ्लैश किया मैंने कि ओके हंसते खेलते बंदे को भी ये हो सकता है क्योंकि दुनिया सोचती है इसको ये तो मस्त इसको तो कुछ नहीं होगा अपनी स्ट्रगल होती है अब दिखाते नहीं है तो उसका मतलब थ्रू दिस एंड मैंने दो हफ्ते फिर मांगे डॉक्टर कानिकाई वॉज एंग्री आई टाइम नहीं टाइम नहीं दिस इज कैंसर तो आपने क्यों मांगे दो क्योंकि दो शोज थे <laughs> एक भारत उत्सव था जब पता चल गया कि कैंसर है हाँ। आप में फिर भी ताकत थी नाचने की जुनून थी क्या बात तो ताकत शायद जुनून से ही हाँ। आता होगा हाँ। और एक था मेघदूतम में अन हाँ। और मेघदूतम में नाचना एक बहुत स्पिरिचुअल वो है पेड़ के नीचे वो माहौल जो होता है और मेरी कमिटमेंट माई वर्ड्स दैट इज इम्पॉर्टेंट और उसके ऊपर डांस तो मैंने कहा दो हफ्ते मतलब रोना धोना चल रहा था उनके क्लिनिक में गौरी रो रही है मैं रो रही हूँ गौरी कहती थी छोड़ दो मैंने कहा तुम होती तो तुम छोड़ती तो नहीं छोड़ती मैंने डॉक्टर बोला मैंने कहा कुछ नहीं होगा दो महीने कुछ नहीं हुआ ना पंद्रह दिन में कुछ नहीं हो जाएगा बट बिलीव मी इफ यू आस्क मी टू ऑपरेट नाउ यू वोंट बी एबल टू ऑपरेट मेरा बीपी सही नहीं होगा मेरा शुगर सही नहीं होगा मेरा कुछ सही नहीं होगा बिकॉज आई विल बी समवेयर एल्स क्या बात सो शी सेड ओके फाइन Take your your two weeks and do टेक योर doctor. वीक्स एंड डू योर परफॉर्मेंस हाँ डौक्तर हाँ डौक्तर I said, you're fine. He said I'm not fine. It's you. You are taking that call. I'm not taking your call. I said I'm taking my call on my faith. मुझे विश्वास है मुझे कुछ नहीं होगा मुझे अपने गुरु पे विश्वास है मुझे अपनी हिम्मत पे विश्वास है मुझे अपने डांस पे विश्वास है मुझे कुछ नहीं होगा मैंने दो शोज किए थोड़ी बीमार भी पड़ी पर फिर भी मैंने दोनों किए एंड हाउसफुल शोज़ किए एंड सोलह तारीख को मैं हॉस्पिटल पहुंची एंड uh, सत्रह को मेरा सर्जरी हुआ ओपन कट आईसीयू में थी रात को जब मैं द पेन वाज इट इज़ वो दर्द शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी पर वो जो दर्द था और वो जो फीलिंग थी अंधकार की और मेरा पैर नहीं चल रहा है दैट वॉज दरियस्ट थिंग पूरा लेफ्ट लेग वॉज नम आई फील इट मुझे अपने वो नहीं थी फीलिंग नहीं थी जैसे ही सुबह डॉक्टर आए एंड रात को मैसे अलग नंदा दिस इज नॉट योर लाइफ स्टैंड अप क्योंकि सबने मुझे बोल दिया था बस अब ऑपरेट हो रहे हो अब कैंसर है अब दो तीन साल तो तुम भूल जाओ और डांस तो डांस तो छोड़ ही दो वो तो साइड की बात है जिंदगी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है तो रात को मतलब वही आईसीयू में अकेले वैसे रहना और मैंने कहा नो अलग ना दिस इज़ नॉट यू यू आर नॉट गोइंग टू लिव लाइक दिस ये आपकी ज़िंदगी नहीं है और सुबह जैसे ही डॉक्टर है मैंने कहा वर्ड द प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है मेरा पैर क्यों नहीं चल रहा है मैं डांसा मेरा पैर क्यों नहीं चल रहा कहते हैं। और चारों तरफ यू नो ट्यूब्स हेयर ट्यूब हेयर ट्यूब हेयर ट्यूब हेयर ट्यूब हेयर ट्यूब आई वॉज फुल ऑफ ट्यूब्स डॉक्टर सर जो जो पेन के लिए आपके यहाँ से जा रही है दैट्स वेरी हैवी डोज एंड दैट्स गेटिंग योर लेग नम मैंने कहा कम कर दो अरे मैड यू डाई इन पेन आई आई डोंट केयर आई नीड टू फील माई लेग्स मुझे अपने पैरों को अब जिंदा चाहिए तो उन्होंने पाँच डिग्री से इसको वन डिग्री पे किया एंड पेन लाइक रोज दर्द मतलब और बेहाल मैं कहती ये बढ़ा दो अगर इससे नहीं होने वाला मेरा पैर इफेक्ट पर ये काम करो रिचल जी एक घंटे बाद मेरे पैर में होश आया लेटे लेटे मैंने बेड पे ता थे थे तत आ थे एंड आई थिंक दैट इज दैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी की आई न्यू आई वो डांस और तब तो मैंने महाराज टू का सोचा कि छ महीना या बैक ऑन स्टेज और जैसे मुझे आईसीयू से रूम में डाला गया आई स्टार्ट कॉलिंग अप माई फोटोग्राफर संगीता महाराष्ट्र कॉन्सेप्ट लोग हिल गए होंगे मेरे समय <laughs> रूम पे खड़े हो रहे हैं मेरे लाइट डिजाइनर संदीप दादा मैंने कहा दादा ये कॉन्सेप्ट है ये लाइटिंग का मुझे ये चाहिए गौरी गौरी मुझे ये चाहिए ऐसे वाले लिरिक्स चाहिए जहाँ पे सूफी भी हो और कृष्ण का भी मेंशन हो कहते दीदी अभी आप आईसीयू से निकले हो संदी आलोकनंदा अभी तुम निकली हो तुम्हें बेड़िए चो आई सी यू मैं जिंदा हूं मुझे नाचना है शुरू करो तैयार हो जाओ कमर कस लो और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप चलोगे इट्स इट्स इम्पॉसिबल टू मूव उस सर्जरी के बाद आप हिल नहीं सकते हो पर डॉक्टर ने मुझे मंत्र बता दिया था उन्हें कहा था कहा कि अगर आप वॉक करोगे के हेल्प से जितने मसल्स आपके मोबिलाइज होंगे आप उतनी जल्दी रिकवर करेंगे मैंने नर्सेस का नाक में दम कर दिया था उठाओ चलाओ उठाओ चलाओ बिठाओ उठाओ चलाओ बिठाओ चार दिन में मैं हॉस्पिटल छोड़ चुकी थी एंड माई डॉक्टर के बाद चार चार दिन दिन oh उसके बाद हुआ बैड और फिर आपके यहाँ पे गणेश उत्सव बारह दिन तो जैसे आपने मैसेज भेजा मैंने कहा मैं तो जाऊँगी पूरा बांधा तो जब आपके वहाँ गई एंड सामने ऐसे गणपति जी बैठे हुए हैं और उस दिन मैंने सवाल किया मैं क्यों अब तक ये सवाल मेरे मन में नहीं था पूछना चाहती थी। उस दिन वो माहौल और वो मैंने 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 कहा मैं क्यों मैंने क्या किया मैंने होशो आवाज मुझे नहीं लगता मैंने किसी का बुरा किया और ऐसे मुझे जवाब मिला कि मैं नहीं तो फिर कौन मेरे पेरेंट्स कभी नहीं सोच सकते मेरे बच्चे नहीं, नहीं। मेरे स्टूडेंट्स नहीं मेरे फ्रेंड्स नहीं किसी को भी मैं आसपास देखूं देखूँ या किसी की कोई भी जनता हो कि मैं बोलती मेरे को नहीं इसको हो जाता नहीं हो सकता सोच ही नहीं सकती मैं तो मुझे लगा मुझे जवाब मिला कि शायद मेरे में इतनी शक्ति है कि भगवान ने कहा तुम संभाल लो तुम संभाल लोगे संभाल लोगे कर जाओ एंड व्हाट ही प्लान्स फॉर यू इज द बेस्ट प्लान और उस दिन से मैं बहुत शांत हो गई उस दिन एक ऐसा उबाल आया था और उसके बाद दो दिन बाद मेरा स्टिचेस खुलने वाला था। मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो गौरी दिखा रही देखो आपकी पेशेंट की हरकत बट यू थिंक उस मैडनेस ने आपको बचाया है इसी पागलपन ने? हाँ एक टाइम होता है कि जब आप ना सोचते हो कि अच्छा माँ बाप के लिए जी अच्छी डॉक्टर बनना मुझे अच्छी वाइफ बनना है मुझे अच्छी भाप बनना है मुझे अच्छा ये बनना चाहिए। पर कोई खुश नहीं होता दुनिया में आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो सबसे पहले अपने को खुश रखो क्योंकि इफ़ यू आर हैप्पी जो आपके पास है तब आप उसको स्प्रेड कर सकते हो क्या बात है अगर आप ही खुश नहीं हो तो आप खुशी बांटोगे कैसे फिर तो वो फेक है और आपको एक जिंदगी मिली है ऊपर वाले ने दिए सिस्टम अलग अलग है माँ बाप के थ्रू आते पर उसने सोचिए और किसी मकसद से सोचिए तो उसको तो जी लो फिर उस मकसद को ढूंढो जिस मकसद से वो जिंदगी आपको दी गई है क्या बात ब्यूटिफुल फिर उसको पूरा करने की कोशिश करो और मुझे अच्छी लगती बड़ी चीजें मुझे मर्सिडीज अच्छी लगती है मुझे फ्लाई करना अच्छा लगता है पर मुझे उतना ही फूल खिलना अच्छा लगता है जब मेरे गार्डन में वो तितलियाँ उड़ती मुझे वो भी उतना ही अच्छा लगता है जब वो हमिंग बर्ड जाके बोलते वो, वो, वो भी उतना ही अच्छा लगता है तो लोग ना बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं या जो सोसाइटी में बोला जाता है कि ये बड़ा है उसमें हम स्मॉल प्लेजर्स को छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं तो मैंने ना छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियाँ ढूंढी और वो पागलपंथी मैंने फिर सोचा कि बाहर में जाए दुनिया मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी तुम हो तो अच्छा तुम नहीं हो तो और भी अच्छा कोई बात नहीं तुम मतलब दुनिया में कोई भी हो सकता कोई है। कोई भी हो सकता है आई एम ए सिंगल मदर आई एम ब्रिंगिंग अप माई टू सन वेरी नाइसली वेरी हैप्पी आई गुड फ्रेंड्स मेरे दोस्त बहुत अच्छे बनाए मैंने जिंदगी में क्या तो ये मैंने अपना वो एक मंत्र बना लिया आप हो वेरी नाइस पर हाँ क्लास में आना जरूरी है नाचना <ना जरूरी है। अच्छा <laughs> अब आपकी जब सर्जरी हुई हुँ. उसके बाद मुझे लगता है और बहुत मुश्किल दौर जो आता है yes. होता है कीमोथेरेपी का टेल अस अबाउट दैट वो कितना मुश्किल था कीमोथेरेपी के लिए हम लोग को डॉक्टर्स तैयार कर लेते हैं दे टेल यू कि आपके बाल गिरने वाले हैं और आपकी नेल्स टूटने वाली है ब्रिटल होने वाली है चेंजेस आएंगी बॉडी में आपको लगता है कि आप समझ गए हो पर जब वाक्य में वो होता है वो बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है बट मैं उसमें भी थोड़ी सी मैं कहूँगी कि मैं लकी रही हूँ क्योंकि जब मेरा पहला कीमो हुआ उसके पंद्रह दिन बाद मैं अपने छोटे बेटे को लेकर हरिद्वार गई मुझे गंगा दर्शन करना था मन में एक ऐसे एक आया कि गंगा दर्शन करना है मैं गई बहुत अच्छी जगह प्राइवेट उसका बीच था पहला दिन एंजॉय किया गंगा पार गए ये गए थर्ड डे मुझे हमें घर वापस आता सुबह जैसे मैंने कोम करना शुरू किया बाल बाल गुच्छा ऐसे निकला कोम किया गुच्छा मैंने कहा टाइम आ गया है न इतना सारा बाल मेरे हाथ में और uh, मैंने कहा ओके इट्स टाइम नाउ बट और एक चीज़ था मैं घर में खाना बनाती हूँ hmm. तो वो बाल खाने में जा सकता है घर गंदा हो सकता है तो मेरा छोटा वाला बेटा सो रहा था आदू मैंने कहा आदू इफ आई ममा गेट्स हर हेयर शेव्ड ऑफ आपको कोई प्रॉब्लम है नो मम्मा गो मैंने टुक टुक उठाई मैं गंगा पार गई और मैंने का निकाला और मैंने सीधा मोबाइल निकाला एन आई वेंट लाइफ आई के नाउ द डेज कम ये, okay, ये बाल गिरना शुरू हुआ है आज सुबह से तो आई एम गेटिंग इट शेव्ड ऑफ एंड आई थिंक आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल एम आई नॉट आई थिंक यू मस्ट से दैट आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल एंड एवरीबडी इज वॉचिंग एंड मुझे ना रूल्स ब्रेक करना अच्छा लगता है बंगाल नू ना लाल झंडा डांसर पतली होनी चाहिए लो मैं तो वेट है <laughs> क्या कर लोगे डांसर के बाल सुंदर होने चाहिए और चलो भैया गंजी हो रही हूँ और लोग यही सोचते हैं कि अब तो इसका डांस गया गंजी हो गई अब क्या नाचेगी अब क्या स्टेज पर आएगी एक दो साल तो इसका गया आपने बॉल्ड होने के बाद परफॉर्म परफॉर्म किया एंड इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ अगर आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया ना पूरी दुनिया आपको स्वीकार करती है और जहां पे आपने अपने आप को बंद किया द, बंद दरवाजों पे वो आपको कवर में डाल देगी भूल जाएगी आपके बारे में और मैं जीने के लिए पैदा हुई हूं मैं बंद होने के लिए थोड़ी पैदा हुई हूँ और जैसे भी जी गंजी भी जी खूबसूरत लगती और मुझे तो, मुझे तो वो मौका मिला कि बालों के साथ जीने का शाकाह बनने का <laughs> वो वो खुश हुआ मैं मस्ती करती थी ऐसी डाल डाल के वीडियोस एंड फिर वो मौका आया कि बिंग स्टेट आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा मैम आप नाचोगे और मेरी कीमोस चल रही हैं अच्छे कीमो थे मेरे और मैंने कहा हाँ नाचूंगी मैंने कहा यही तो मुझे जिंदा रखती है और कहते इतने शोज हैं बारह तेरह शोज थे और भी शोज के पंद्रह मैं टोटल शोज किए के दौरान अनबिलीवेबल अनबेबल मैंने हालांकि देखा है आपको मंच पर लेकिन मुझे लग रहा था कैसे करें एंड आई एम श्योर जितने लोग दर्शक सब वहाँ बैठे थे सबके मन में ये सवाल हो हाँ और बहुत मज़ा आता था पता है ऋचा जी मैं वो कैप पहनती थी ऐसे बड़े सुंदर सुंदर मेरे कैप खरीदे देखो ये भी मौका मिला मुझे कैप पहन के और ऐसे इसमें यहाँ पे ऐसे ज्वेल लगा के और नाची छाप तिलक और जहाँ पे वो आया वो कैप उतारा और फेंक के एकदम फिर नाचने लग लोग ऐसे हल्ला मचा देते थे ओ यूज टू बी लाइक यू नो दिस इज शी इज एंड शी इज डूइंग इट एंड देर इज टू लाइक यू आर इंस्पायरिंग अस शायद यही मकसद था भगवान का जो मुझे पहचान में नहीं आ रही थी उसके थ्रू जो वाई मी का जवाब आपका वाई मी और मैंने पंद्रह शो से बेखौफ डर और हट गया ऐसे ही मुझे डर नहीं लगता है मैं ये भी नहीं कहती मुझे मुझे भगवान से डर लगता है मुझे भगवान से डर नहीं लगता खुदा से मुझे इश्क है लोग कहते हैं डर लगता है भगवान से मुझे डर नहीं लगता मुझे किसी से डर नहीं लगता कैंसर से भी नहीं लगा नहीं कैंसर से भी नहीं डरता वो एक पार्ट में था निकाल दिया एंड सबसे अच्छी बात है कि मेरा बेटा टेंथ दे रहा था छोटा वाला मेरे बच्चों को पता ही नहीं चल बिकॉज मैंने उन पर हावी नहीं होने दिया hmm. मैं उन्हीं को लेके मूवी जाती थी पिक्चर देखती थी गंजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था और अगर कोई मुझे ऐसे देखता था ना आ, और तो मैं जाके बोलती खूबसूरत लग रही हो ना <laughs> दो खूबसूरत लग रही हो ना वो कहते हाँ भाई बहुत खूबसूरत लग रही है तो यू नो दे मैं टेबल नहीं थी लोग अनकंफर्टेबल थे तो मैं उनको कंफर्टेबल कर देती मैं एक्चुअली ये पूछना चाहती हूँ आपने कहा ना खुद को एक्सेप्ट कर लो हम कर लेते हैं लेकिन दुनिया हमें बार बार एहसास कराती है अरे दो किलो वजन बढ़ जाए तो दुनिया एहसास करा दे आपको जब लोग अगर कॉन्शियस करते हो चाहे आपके वेट को लेकर चाहे आपके बाल जब चले हाउ डू यू डील विद तो आपका ख्याल मैं बहुत बहुत कहती लोग कहते हैं अरे मोटी है नाच रही है मैंने कहा मोटी हो पर हाउस तो फुल है <laughs> हाउसफुल है और जो देखता है वो उठ के जाना नहीं चाहता है मेरा स्वभाव कोई कर नहीं सकता है तो अपनी जो प्लस पॉइंट्स है उस पर काम करो और मैं कहती हूँ इस कमानी के हॉल में चार द्वार है दो आगे दो पीछे जिनको नहीं अच्छा लग रहा निकल जाओ मैं दुब फिर ना रखा है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर एक भी सेंसिबल ऑडियंस बैठा है मेरे लिए अगर एक भी मुझे मोहब्बत करने वाला बैठी है मेरे पास सामने आप बैठे रहते हो इतना खूबसूरत नाचती हैं आप तो तो फिर मुझे किस बात का डर और लोगों की भाड़ में जाओ आप सबको खुश तो नहीं कर सकते हो ना तो क्या फ़र्क पड़ता तो वो उनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो है है मेरी अच्छा एक बात बताइए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैंने देखा है अलकनंदा जी ने किस बहादुरी के साथ कैंसर आ, से निपटी है ये और और उसे बहादुरी नहीं हंसते हुए बहुत बता हम सब लोग हैरान हो जाते थे दूसरों को रुला देती थी लेकिन खुद हंसती रहती थी लेकिन कभी कभी एक वो मोमेंट दैट वॉट इफ आई डोंट सर्वाइव क्योंकि क्या होता है नॉर्मली कैंसर में कई बार तो डॉक्टर्स ही कह देते हैं कि छह महीने की जिंदगी है नहीं भी होता है नहीं भी डॉक्टर्स कहते हैं तो भी एक ये कि क्या अगर मुझे खुद फिर हो गया या मैं पता नहीं अब कितना जीवंगी अब मेरा जीवन कितना है दैट अकेले में हाँ देखो एक तो चीज रिचा जी मुझे ये एक्सेप्टेड है कि मृत्यु इज द अल्टीमेट ट्रुथ ये दिस इज समे आई एम मे बी आई एम स्पिरिचुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड अवेकेंड पर हाँ ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं आई सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई थी कोई ना कोई एक चीज चिंता होती है तो मैंने उनको बोल दिया था नानी नाना है मासी है गौरी मासी है उधर दीपिका मासी उधर मेरे बाद अगर जाना तो इन्हीं लोगों के पास जाना और उनको इतना स्ट्रोंग बना रखा है दे नो हाउ टू डील विथ लाइफ So, ये चिंता एक बार नॉट बी ऑन क्योंकि अगर मैं उसी में घुस जाऊं ना फिर उस चक्रवे में फंस जाऊंगी तो मैं उस चक्रवे में जाती ही नहीं हूँ मुझे अभिमन्यु नहीं बनना है मुझे अर्जुन बनना है फोकस मछली की आंख जिंदगी का मायने क्या है डांस का मायने क्या है क्या करना है लाइफ को लेके लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ तो वो फोकस तो मैं उस चक्र में मैं जाती नहीं हूँ आया है एक बार पर नहीं और मुझे जिंदगी पे ज़्यादा फेत है ना मैं जीऊँगी और जितना जीऊँगी मस्ती से जीऊँगी कि लोग एटलीस्ट ये बोले कि यार ये एकदम बिंदास जी के गए यार इसने किसी की परवाह नहीं की इसने फुल अपनी जिंदगी जी है और जैसे लोग आपको ना बांधना चाहते हैं लाइक आई एम अ क्लासिकल डांसर तो लोगों को लगता है कि जो एक इमेज है साड़ी ही होगा ऐसी होगी ऐसी चलेगी ऐसी इनको व्यवहार करना है आई आई ब्रेक इट आई वेयर ड्रेस ऑल्सो आई गो टू पार्टी स्टूडेंथ माई स्टूडेंट्स विथ माई सन्स बिकॉज जिंदगी ब्रैकेट बॉक्स नहीं है जिंदगी खुला आसमान है और आसमान में इंद्रधनुष है जिसके सात रंग है तो मेरे भी सात रंग है तो मैं हर पहलू को जीऊँगी तो ये ये जो अवेयरनेस है ये जो समझ है ये कैंसर ने दी है या पहले से ऐसी थी या थी लेकिन कैंसर ने बढ़ा दी है समझ पहले से मैं ऐसी थी because मैंने बहुत रुकावटें देखी हैं जब मैं डांसर बनना चाहती थी मैं बहुत श्योर थी कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी आई एम वेरी ब्लेस कि मेरे पेरेंट्स वो अवेयर पेरेंट्स थे जिन्होंने आर्टिस्ट करियर को महत्व दिया बट माई स्कूल डिड नॉट माई स्कूल गेमी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दिस सेट कि आर्टिस्ट पागल होता है आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं होता है आर्टिस्ट ये तो दिमाग खराब इसका सो आई फॉट मैंने कहा नहीं आई प्रूव इट टू यू कि कलाकार की जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है जो हमारी फील्ड है बहुत कॉम्पिटेटिव है उसमें सर्वाइव करना उसमें अपना एक यू नो स्टम बनाना और अपने लिए नाचना और प्लस फिर कैंसर जब आया ना उसका अब तो मुझे लगा बस अब ये जीत के दिखाना है तो मैंने सही कहा था मतलब कथक को सबसे बड़ा हथियार हाँ, बनाया डांस को मैंने एकदम हथियार बनाया मैं नाचती गई और इतना नाची हूं लोग कहते कि भैया इससे ज्यादा तो कोई नहीं नाच रहा है जहां पे लोग कहते हैं कि ऐसे डांसर्स को मौका नहीं मिलता परफॉर्मेंसेस इतनी नहीं होती हैं या ये नहीं होता है और मैं नाच रही थी एवरी डे आई वॉज डांसिंग कीमोथेरेपी की वजह से कहते हैं बहुत वीकनेस हो जाती है हाँ। भूख नहीं लगती स्वाद चला जाता है बहुत सारी चीजें तो ये सब हो रहा था और नाच रही थी कैसे चल रहा था हुआ फर्स्ट कीमोथेरेपी मेरे को ऐसा लगा मेरे अंदर ऐसे किसी ने ना ऐसे ऐसे जान निकाल के मेरे को बिस्तर में फेंक दिया मतलब लिटरली आप सीधा भी नहीं लेट पा रहे मतलब इतना अंदर से मेडिसिंस गई होती इतना रिएक्शन होता है क्या वैसे सिकुड़ जाते हैं एंड मुझे खाना पसंद है पर चार पाँच दिन मैंने खाना नहीं खाया हो ही नहीं अंदर ही नहीं जा रहा है खाना देख रहे तो ऐसा तो लग तो तो रहा है उल्टी हो जाएगी मेरे से मैं ऐसे मैंने कहा यार अलकनंदा ये तो नहीं चलेगा एंड uh, तब मैंने कुक रखा अपने बेटे के लिए बिकॉज मेरी हालत खराब थी एकदम मैंने चौथे दिन या पांचवें दिन मैंने डॉक्टर को फोन किया मैंने कहा दिस इज माय कंडीशन एंड आई डों मुझे हर बार कीमो में यही होने वाला कहना हाँ अभी तो डोज कम दिया है इसके बाद तो डोज बढ़ेगी यही होने वाला है मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ मैंने कहा कैन आई गो शॉपिंग कैन आई गो आउट और जैसे पता है ना शॉपिंग का नाम आते हम लेडीज एकदम ऐसे खुश हो जाते ना, हाँ डाउन हाँ। पर जैसे मैं शॉपिंग की ना वह एकदम खुल गई एंड आई थॉट कि इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल पावर आप यहां से अपने को डिस्ट्रैक्ट करो तो मैंने अपना डिस्ट्रैक्शन पहले उस दिन शॉपिंग बनाया और मैं तीन चार घंटा मॉल में घूमी खरीदा कुछ नहीं क्योंकि ऐसे ही खर्चा हो जाते मेडिकल के पर विंडो शॉपिंग फिर मैंने घर पर आके सोचा कि अगर ये इसका पावर है डिस्ट्रैक्शन तो नाच ही नाच लेट्स डांस शरीर में इतनी ताकत होती है क्योंकि हम हम तो यही सुनते हैं कि कीमोथेरेपी आपको बहुत वीक हाँ, बना देती है वो तो बना देती है पर शरीर की ताकत से ज्यादा मन की ताकत है और ये तो मैं पैदा ही हूँ इसको मैं तो लड़के नाची हूँ घर में जब कहते थे छो, छोटी थी डांस नहीं गाना गाओ डांस नहीं गाना गाओ तो मैं लड़ लड़के मैं डांस में गई हूँ और उसके लिए मेहनत की है चार बजे उठ के रियाज़ करना सात आठ घंटे स्कूल भी करना कॉलेज भी करना तो ये तो मन की बात है ना मन को आप जितना स्ट्रांग बनाएंगे अपने दिमाग को जितना स्ट्रांग बनाएंगे इमोशनली आप जितना स्ट्रांग होंगे आप कर पाएंगे तो जैसे मैंने बहुत मैं सोशल मीडिया फ्रेंडली हूँ तो मैंने सोशल मीडिया पे सब डाला क्योंकि लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाने के लिए लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस पर ऐसा नहीं है तो मैंने एकदम सच्चाई रखी जो भी मेरे साथ हो रहा था तो मैंने वो डाला उससे बहुत सारे ऐसे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ना जो खुद उससे गुजर रहे जी लोग मैसेजेस आने लग गए में, में, हर जगह कि हम आपकी जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हमें भी कीमोथेरेपी चल रहा है मेरे को भी कैंसर हुआ है पर हम आपके तरह जी नहीं पा रहे मैंने कहा बदलो जीने का तरीका बदलोली जैसे मैंने अपना एक पैशन उठा लिया गार्डनिंग सोच सुबह गार्डनिंग पौधे खरीदती लगाती और रोज जाके देखती पाइप से कर, जो सूखा उसको तोड़ती तो मैंने अपना एक पैशन उठा लिया उसके बाद रिचा जी हम इंसान बहुत अच्छे हैं द होल ह्यूमन रेस इज ग्रेट इतनी लोगों ने मेरे लिए दुआएं मांगी हैं इतने लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया है जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ जो शायद मुझे पसंद भी नहीं करते हैं पर इस मौके पे सबने मेरे लिए दुआएं मांगी है और दुआओं में जो पावर है जो शक्ति है एंड इट इज कंप्लीट लाइक अ यूनिवर्सल प्रेयर वाज़ गोइंग फॉर मी तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों से इतनी दुआएं मिली है कि मैं बहुत हम्बल फील करती हूँ कि इतना प्यार है दुनिया में लेना आना चाहिए। कमाना पर और वो भी है कि जो आप दोगे वो ही आपके वापस आएगा तो आप प्यार दो ना पर ऐसा नहीं कि मैं लड़ती नहीं मैं गीता प्रॉपरली फॉलो करती हूँ <laughs> जहां पे मुझे अस्त्र उठाना है चाहे जुबान की हो या काम की हो मैं वो जरूर उठाती हूँ लेकिन उसका एक तरीका होता है उसका भी एक तरीका है सो so, कैंसर ने बहुत चीजें मुझे सिखाई हैं और बहुत हिम्मत दी है पर ये होता है कि आप क्या लेना चाहते हो मेरे गुरु जी ये कहते थे मुन्ना जी कि हंस के जैसे बनो हंस जब पानी से उठाता है बहुत चीज़ें उठाता है उसके बीक में छन्नी होती है तो जो बुरा है वो निकाल देता है और जो अच्छा होता तो है वो ले लेता है तो हंस के जैसे बनो दुनिया में बुराई है तो आपको क्या उठाना है ये आप पे डिपेंड करता है अब कैंसर से कोई डर नहीं है कि फिर से ना आ जाए ऐसा ऐसे किसी डर में आप जीती हैं डर नहीं है पर एक आ, आ, एक आ, क्योर की तरफ जाना बिकॉज कैंसर कभी भी एक ही बार में खत्म नहीं होता जब मेरा ऑपरेट हुआ माइंड लिम्फ नोड्स से नेगेटिव कोई उतने ज्यादा सेल्स फैला वाला नहीं था बहुत कम वो था पर इट्स अ ऑन प्रोसेस मतलब हमें अभी तीन चार साल तक एटलीस्ट हमें रेगुलर चेकअप पेट स्कैन होता है बहुत ही पेनफुल होता है वो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा होता मुझे कैंसर से ज़्यादा डर लगता है उससे पर वो करवाना हर छ महीने में एक ओवरऑल जैसे और एक चीज़ है कैंसर से आपका uh, जैसे मैं अभी लिख भी रही हूँ माई नेल्स आर गेटिंग ब्रिटल तो मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है कि आपकी चीज़ें जैसे नेल काला हो गया मेरा पूरा थम नेल हुँ. तो अब मैंने पूछा बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी तो ये चीज़ें हो रही हैं फिर इम्यूनिटी इज वेरी लो हुँ. कोई भी इन्फेक्शन है वो पकड़ रही हूँ तो उनके लिए मल्टीवाइटामस और जो घरेलू नुस्खे होते हैं गिलोई का पानी अदरक का पानी Yes, क्या करना चाहिए तो मैं उनको के नंबर और हॉस्पिटल बोलते तो जाओ ये करो तो जितना लोगों तक आप पहुंचा पाओ कि कौन सा डॉक्टर क्योंकि लोगों के पास पैसे भी नहीं है नहीं। लोग अपने आप को नहीं संभालते मैं कहती हूँ पहले इंशोरेंस लो मेडिकल इंश्योरेंस लो मैं सब वो मेडिकल इंश्योरेंस वो मैं लकी थी कि मैंने बहुत अवेयरनेस से मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया था द होल ट्रीटमेंट कॉस्टेड मी अराउंड ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन लैक्स आधा तो इंश्योरेंस से आया औरतें तो अपना इंश्योरेंस तक नहीं लेती हैं मेडिकल इंश्योरेंस लो सो दैट यू कैन गो टू द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स और आपको ये फाइनेंशियल प्रेशर ना रहे कि मैं आप कितने लोग इलाज नहीं करवाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान योर लाइफ और हर बार मैं ये कहती हूं लेडीज प्लीज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ आप किसी की सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं पैदा हुए हो अपनी भी सेवा कर लो आप अपनी नहीं करोगे तो आप दूसरे की सेवा कैसे करोगे सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अवेयर होते रहे और मतलब मेरे को कैंसर के साथ कैंसर की वजह से क्योंकि मैं बहुत काम कर रही थी तो मुझे निमोनिया भी हुआ hmm. और निमोनिया में मैं नाची भी और अगले दिन हॉस्पिटल थी yeah. मतलब आईसीयू जाते जाते बच गई पर वो भी जुनून था एंड एक दिन पहले शो से पहले मैं खड़ी तक नहीं हो पा रही थी रिचा जी रिहर्सल में खौफ खौफ एंड आई जस्ट वेंट टू माय गुरु फोटो देखा और मैंने कहा बहुत हो गया मजाक कैंसर को मैंने हंसते हुए झेल लिया बहुत मस्ती हो गई कल शो है सब कुछ बुक्ट है डू सम मैजिक डू सम बोलते बोलते मैं सोई हूँ, और ये बोलते बोलते मैं उठी एक हफ्ते से मैं सोई नहीं थी मैं बैठ के सो रही थी डांस और जैसे डांस खत्म हुआ एक सो एक बुखार था मुझे बात कर लॉन्गर टूर बिकॉज ऑफ दैट होल थिंग कैंसर कीमोथेरेपी इम्यूनिटी लो इन्फेक्शन लोगों को अपनी सेहत का जरूर ध्यान इंफेक्शन से बचाना पर जीना नहीं छोड़ना है <laughs> मैं, मैं बहुत देर से से चाह रही थी कि कि आप जो जो लोग कैंसर जूझ रहे हैं सर... नहीं जीना मत छोड़ो प्लीज आपके पास आज है आज की जिंदगी आप अच्छी तरह जियो सब कुछ करो चॉकलेट खाओ पिक्चर देखो घूमने जाओ शॉपिंग करो थोड़ा सा कुछ अच्छा म्यूजिक बने तो नाच भी लो गुनगुना लो खाना बना लो फ्रेंड्स के साथ चाय पे चले जाओ चाय पे चर्चा करो बिचिंग भी कर सकते हो, थोड़ी बार, थोड़ी हेल्दी बिचिंग अच्छी होती है सो so, सब कुछ करो क्योंकि जब तक आप कबर में नहीं है जब तक आपका अंत समय नहीं आया तब तक आपके पास जीने का मौका है तो जियो इस साल मैं पोलैंड भी करके आई परफॉर्म किया वर्कशॉप्स किए भी करके आई तो जीने का मौका दे रहा है ना ऊपर वाला आपको बस उसको चूज करना आपको क्या चूज करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्माइल स्माइल और आई कितने पावरफुल मैसेजेस के दे रही हैं अलग नंदा जी आपसे ना बात करते करते एक बड़ा एक रैंडम थॉट आया मैंने कहा भाई एक डांसर है और इतनी वेटरन है आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर सिर्फ सिर्फ भाव से आप थोड़ा सा अपनी और अपनी कैंसर के साथ लड़ाई को अगर आप डिपेक्ट करना चाहेंगी तो कैसे करेंगे ओके ब्यूटिफुल Uh, कुछ चलते चलते कुछ गीत गा के जाना चाहेंगे <laughs> <वारे। laughs> हाँ मुझे आम... कोई गीत जो आप बहुत अपने अकेले उसमें <coughs> गाती हैं बड़े अच्छे लगते हैं ये डरती ये नदियां ये रहना और और <laughs> <laughs> अलग थन्दा जी बहुत बहुत शुक्रिया That's और so आपकी so इस लड़ाई को मैंने चूंकि बहुत करीब से देखा है आपके लिए दुआएं मांगी हैं और आज भी दुआ करूंगी कि आप ऐसे ही हंसती रहें लोगों को इंस्पायर करती रहें बहुत ऐसी हिम्मत की है हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है थैंक यू इट्स रिचर जी यू नो हाउ मच आई लव यू एंड आई एम योर फैन गर्ल एंड आई ऑलवेज बी दैट फर्स्ट एंड आई एम ब्लेस आई हैव यू इन माई लाइफ नाउ थैंक यू सो मच ये भी ऊपर वाले की वर्जी थी <laughs>